नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली त्योहार हमारा बस आने ही वाला है और इस त्योहार के आने से पहले प्लीज एक बार आप मेरे चैनल पे विजिट जरूर करें और इसके लिए आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो आज का हमारा वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऐसी ट्रिक जिससे आप बहुत ही आसानी से बिना किसी स्टूल बिना किसी टेबल पे चढ़े आसानी से फैन की सफाई कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको ओवरलुक दे रही हूँ, मैंने जस्ट झाड़ू उठाया है इसलिए मैं अपने पूरे घर की हल्की फुल्की सफाई दीवारों की भी कर दे रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं दीवारों पे भी काले काले हल्के हल्के से जाले पड़े रहते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं आज फैन की सफाई कैसे करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं सिर्फ झाड़ू लेने से बहुत ही मुश्किल है और आप एक छोटा डंडा लें या फिर अपने हाइट के अनुसार अगर आप नीचे खड़े हैं तो थोड़ा बड़ा डंडा लें और इस तरह से डंडे से हम एक तरफ अटका के रखेंगे और फैन की वही पंखी को साफ करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि फैन का जो पार्ट है जिसे हम साफ कर रहे हैं उसका सारा गंदा एक तरफ ही बाहर जाए, चारों तरफ हमें गंदे को नहीं गिराना है या उस पे बैठी डस्ट या धूल को चारों तरफ नहीं गिराना है। तो अब मैं टर्न कर चुकी हूँ फैन की नक्स पंखी को और देखिए सेम उसी तरह से मैं एक ही साइड में उस गंदे को गिरा रही हूँ जितनी भी डस्ट उस पे जमी है। ये मेरी फैन थोड़ी सी साइड में उसका पेंट निकल गया है, उसकी भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे मैं उसकी पेंट को फिर से ठीक करूँगी और बिना फैन को उतारेगी। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने सेम उसी डंडे का उपयोग किया है और उसके ऊपर मेरे पास एक पुरानी पिलो कवर थी उसका मैंने यूज़ किया है और कपड़ा को मैंने लगा दिया है। कपड़े को आप भिंगा भी सकते हैं पर मैं अभी सूखा ही इसे पोंछ रही हूँ और बाद में लास्ट में मैं इसे भिंगा के पोंछूंगी ताकि जितनी भी धूल हो वो निकल जाए। अभी देखिए मैंने कपड़े को हल्का सा भिंगा दिया है और मैं इसे क्लीन कर दे रही हूँ। और अब चलिए हम अपने फैन को चला के देखते हैं। आप रियली फील करेंगे डिफरेंस कि वो जो पहले हवा दे रहा था ये अभी उससे बहुत ज़्यादा आपको हवा देगा और बहुत ही सुकून लगेगा जब आप दिन में लेटेंगे और आपकी आंखों के ऊपर ये फैन होगा साफ सुथरा। सच में ऐसा लगेगा कि दिवाली में आपने अच्छी खासी सफाई की है। चलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। धन्यवाद।